हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल किसान वाले ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत करता हूं। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन माय YouTube चैनल किसान वाला ब्लॉग। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने है उस्ताद 3 नंबर का मिनी पैलेसर, यानी ये 3 नंबर की छोटी वाली मशीन है जो एक ही बार में चावल निकालती है, यानी आप एक ही बार में धान डालेंगे चावल निकलेगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें हम फ्रेश चावल कैसे निकालें, एक छोटी सी सेटिंग के द्वारा फ्रेश चावल कैसे निकालें। तो आप देख सकते हैं मशीन खुल चुकी है और अभी अभी मशीन चल कर आई है, धान निकालने के बाद आई है। तो सबसे पहले क्वालिटी देख लीजिए, एकदम फ्रेश चावल है। एक भी चावल अगर टूट जाए तो आप कहना, इसके लिए आपको बिल्कुल छोटी सी सेटिंग होती है वो करना है और वीडियो में आपको बने रहना है। पूरा वीडियो लास्ट में देखेंगे, बिल्कुल छोटी सी सेटिंग होती है जो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। तो आपको मैं सबसे पहले चावल की क्वालिटी दिखा देता हूँ, यानी मशीन एक बार कहीं भी आप चलाएंगे अगर ऐसा फ्रेश चावल निकाल देंगे तो ये मान लीजिए भीड़ लग जाती है। देख सकते हैं, ये होता है पत्थर, ये होता है रोलर। तो आपको मेन क्या करना है, सेटिंग करनी है। देखिए मेरे भाई, सब लोग सेटिंग को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके वेल्ट को ढीला कर देंगे, क्योंकि सेटिंग करने के लिए मशीन को तो पूरा खोलना पड़ेगा ना। तो वेल्ट ढीला हो चुका है और आप देख सकते हैं ये रहा इसका वेल्ट, और रोलर से लगा हुआ होता है और काफ़ी ये टाइट होना चाहिए। देखिए जब मशीन आपकी चले तो बेहतरीन चावल के लिए छोटी सी सेटिंग को जानना बहुत ज़रूरी है, और वो सेटिंग आपको YouTube पे तो कोई नहीं बताने वाला। उस्ताद 3 नंबर की मशीन में, धान मशीन में सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपके और हाँ आपके पास मशीन है, कोई भी प्रॉब्लम है, अड़ुआ दे रही है यानी धान में चावल आ रहा है, तो आप बताना, वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी जाएंगी, बता दिया जाएगा। देख सकते हैं, देखिए एकदम फ्रेश चावल, मतलब ऐसा चावल कि यहाँ पैलेसर भी काम नहीं कर रहा है। पैलेसर में क्या होता है, टूटा हुआ चावल दूसरी तरफ जाता है, खड़ा चावल दूसरी तरफ। लोग एक ही बार पैलेसर से धान निकलवाते हैं, इसके बाद पैलेसर को भूल जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरा वीडियो देखते रहें और आप भी अपने मशीन पे सेटिंग करें। देखो मशीन खुलने के बाद उसकी सफाई क्योंकि अच्छे से करना होता है। जालियां देखो, जो कि इसमें 3 नंबर की जालियाँ हैं, वो सारी जालियाँ अच्छे से आपको देख लेना है। तो अभी इसमें कचड़ा लग जाता है, आप सब समझ रहे हैं इस बात को। तो जब अगर मशीन आप खोल लिए हैं तो उसको पूरा साफ़ करना होता है। देख रहे हैं, देखिए ऊपर से मैं दिखा दे रहा हूं। तो ये रोलर है और इसको खोलने के बाद इसको सफाई किया जाएगा। और देखो इसमें सेटिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना, बिल्कुल नॉर्मल छोटी सी सेटिंग है ना, वो पत्ती की सेटिंग होती है जिसको आप लोग छुरी बोलते हो, हमारे यहाँ तो उसे छुरी बोला जाता है। तो चल रहे सेटिंग की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दोनों तरफ से अच्छे से कैप को बंद कर देना है। ये रही छुरी, इसी की सेटिंग आपको देखना है। तो मैं बता दूं आपको, इसकी ऐसी सेटिंग करना है, देखिए यहाँ पे इधर साइड में आपको ढीला रखना है, मीन्स पीछे का कोना थोड़ा सा ढीला रखना है, और इधर साइड आपको एक ऐसा सांसा होना चाहिए कि एक उंगली आपकी थोड़ा सा उसमें टाइट उंगली जाए, इसको मतलब टाइट करके रखना है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए मेरी उंगली कितनी जा रही है, एकदम नॉर्मल मेरी उंगली जा रही है। ऐसा आपको यहाँ पे पत्थर के पास सेटिंग करनी है, हैं? तो इसको सेटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन सेटिंग हो चुकी है, और इसके बाद आप इसके कैप को बंद कर सकते हैं। तो आई होप की बात समझ में आई होगी आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए कमेंट ज़रूर करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सारे भाइयों को
जय हिंद।